नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सौरभ पाटिल और आप देख रहे हैं डब्ल्यू एच न्यूज़ जन जन की आवाज़। आपका स्वागत है। हमारे नगर परिषद ने एक यहां पे मुहिम चालू की गई है, जो भटके लोग हैं वहां उन्हें लॉकडाउन 23-24 मार्च से उनको यहां पे भटके लोगों को यहां पे आश्रय देने का नगर परिषद के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था, जिसमें MP से बहुत लोग यहां पे है, जो 55 लोगों की यहां पे व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कैसे यहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे फैमिली के साथ में कुछ महिला है, कुछ भैया लोग हैं और साथ में कुछ युवक यहाँ पे है और साथ में कुछ वृद्ध भी यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा नन्ना सा खेल रहा है। और उसी साथ में नगर परिषद द्वारा यहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई है रहने की, जो खाने पीने की सारी देखभाल करने की और डॉक्टरों लोगों की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो और उसी साथ में इनकी मांग है कि हमें अपने घर जाने दीजिए। तो देखते हैं इनका क्या कहना है, क्या बताएंगे आप? सर, घर जाना चाहते हैं सर। आप कहाँ से है? हम MP से। अच्छा, क्या मांग है आपकी सरकार से? यही मांग है, घर भेजा जाए हमको। 14-15 दिन हो गया सर, हम गांव जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, चेक करो। 16 दिन हो गया आज, हमको चेक करके हमको गांव भेजो। आपको यहाँ पे कुछ तकलीफ है क्या? तकलीफ ये है, खाना ठीक से हमें पसंद नहीं है, खाना खाते हाँ। आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम खाना मिलता है क्या? सर, टाइम टू टाइम खाना मिलता है, लेकिन हम लोगों को खाना है गैस की रोटी नहीं खा पाते। हम गैस की रोटी पेट में हजम नहीं होती, हम लोग चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं। आपकी सरकार से मांग क्या है? सरकार से ये मांग है, हम लोग सब सुरक्षित हैं, हम लोगों को यहाँ से सीधा घर पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था करें। आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं है क्या? सुरक्षित तो है, लेकिन यहाँ पड़े पड़े बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हम अंदर बैठ के रह नहीं सकते हैं। जैसे जंगल के रहने वाले, हम पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, खुले में रहते हैं, इधर बंद कमरे में रहना हमें पसंद नहीं है। हमें यहाँ 16 दिन हो गए, आज 16 दिन हो गए, पता नहीं बीमारी मारेगी या ना मारेगी, लेकिन इधर बंद रहने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इनकी मांग है सरकार से कि हमें हमारे घर पे जाने दीजिए। तो उसी साथ में हमारे साथ में यहाँ पे कुछ वृद्ध भी है, हम उनसे भी जानेंगे, क्या बताएंगे? गांव पे जाना है सर, लॉकडाउन लगे जब से दे दिया, इंद्रवास से पैदल आया, यहाँ से नागपुर पकड़िया, हमें यहाँ छोड़ नहीं दिया, 16 दिन हो गया, हमें बहुत परेशानी इस जगह। आप कब से आए हैं यहाँ पे? 16 दिन हो गया, 14 तारीख से। और आप कहाँ से आए हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है और यहाँ पे कुछ परेशानी आपको हो रही है क्या, बताइए? यह परेशानी सर ऐसी हो रही है कि हम कभी लोग पंखा में नहीं दिया, हम बगल की हवा में दिया, तो ये पंखा हमें बीमार कर सके। जूना फानी गुना जिला तहसील चाचौड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से आपने यहाँ पे नागरिकों का सुना है और उसी तरह से नगर परिषद द्वारा यहाँ पे की गई व्यवस्था है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी बेड लगी गई है और उसी साथ में वहाँ पे खाने का स्टॉल लगा गया है, जो सुबह यहाँ पे लोग यहाँ नागरिकों के लिए यहाँ पे भटकों के लिए यहाँ पे खाना दिया जाता है और रोज़ यहाँ पे खाना बांटते हैं। और उसी साथ में अपने साथ में कुछ महिला भी है, उसी हम महिलाओं से भी जानेंगे कि उनकी क्या मांग रही है। दीदी, क्या बताएंगे आप, क्या मांग है आपकी सरकार से? हमको मम्मी पापा के पास जाना है, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने को, एक टाइम खाना मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब भैया बता रहे हैं कि आपको यानी खाना व्यवस्थित मिल रहा है, आप बोल रहे हैं खाना नहीं मिल रहा, कैसा? दो टाइम खाना मिल रहा है, एक टाइम चाय मिलती है और आज को मिली नहीं। और उसी साथ में और हमारे साथ में यहाँ पे हमारी महिला बहन यहाँ पे उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे, क्या बताएंगे दीदी आप? सर, हम घर जाना चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं वो लोग, और क्या बोलते नहीं तो अगर 3 तारीख नहीं छोड़ा तो हम यहीं पे मर जाएंगे। इनको घर जाना है, इनको घर जाने दीजिए, ऐसा सरकार से ये मांग कर रहे हैं। उसी साथ में महाराष्ट्र की और MP की जो शासन है, इन्होंने निर्णय लेके इनका कुछ तो भी मार्ग लगाने को ना। और उसी साथ में हमारे भैया यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या उनकी मांग है। हमारी मांग यही है सर कि हमें घर जाने दीजिए, और यहाँ पे हमें 14-15 दिन हो गए क्वारंटाइन में रखते हुए, हम सब लोग स्वस्थ हैं। अब सरकार से हम आते हैं, थानेदार साहब आते हैं, CI साहब आते हैं, तहसीलदार साहब भी आए, उनसे बात हुआ है आज, वो 3 तारीख के बोले 3 तारीख के बाद में आपका जो भी कुछ है हम डिसीजन निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सरकार ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है। साहब आए थे, उनसे बोला साहब डिसीजन 15 दिन निकल चुके, लेकिन हमें भेजिए घर या टेस्ट करवाइए, जो भी करना है वो कीजिए। आपको लगते हैं हम चोर डकैत डाकू, जो भी आपने पूरा निरीक्षण कर लिया है। नहीं, हम यहाँ सुरक्षित है, लेकिन खाना पीना हमारा यहाँ पे सही नहीं है, हम यहाँ पे पड़े पड़े एक जगह रुके हुए हम बीमार हो सकते हैं। आपको और किस तरह की व्यवस्था चाहिए थी? हमें व्यवस्था, हमारा खाना पीना सही होना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था खाना पीना सही होना चाहिए था वो भी नहीं है, और आगे के लिए हम 15 दिन बिता चुके हैं, हम घर जाना चाहते हैं।
घर जाना चाहते हैं, हमें अपने घर जाने दीजिए, ऐसा इन्होंने इनकी मांग चल रही है। तो देखते रहे WH News, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विविध खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भी भेज दें। धन्यवाद।